ओके सो वेलकम एवरीवन इन द गोल्डन बुल्स, वेलकम एवरीवन। जो आज का जो सेशन हमारा है वो एक लाइव सेशन है मार्केट एनालिसिस एंड मार्केट ब्रेकडाउन का, ठीक है। आगे मार्केट में क्या प्रोजेक्शन हो सकते हैं, मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, ठीक है, उस वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो वॉइस नहीं आ रहा है, मैंने म्यूट करके रखा था वॉइस। ओके वेट एक मिनट, लेट मी चेक, इज इट स्क्रीन विजिबल और नॉट? आ रहा है वॉइस सर, स्क्रीन विजिबल है ना? यस ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड, ठीक है। उसके पहले किसी को कुछ ओपिनियन शेयर करने हैं, उनके ट्रेड कैसे जा रहे हैं, उसके बाद प्रॉफिट कितना निकाला, कैसे निकाला, मतलब हमने लास्ट जो एनालिसिस किया था वो सैटरडे को निकाला, मतलब किया था, आई गेस, राइट। तो those who want to talk they can raise their hand, loss mein hai, okay, kaha trade hai aapke, gold ki kya position hai abhi, raj gold ki abhi dekh lenge hum 2 minute mein, wait someone wants to speak, let give them a chance। Yes, you can speak. Okay, और those who wants to share their screen ना और analysis, आप वो भी कर सकते हो। So इससे फायदा क्या होगा? मतलब आप एनकरेज हो जाओगे कि मतलब आपके व्यूज और आपके शेयर मार्केट, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई पेयर के ऊपर या कोई कमोडिटीज के ऊपर कैसे है, ठीक है, वो भी हम सबको वो देखने का मौका मिल जाएगा। द वे यू आर थिंकिंग, आपका प्रस्पेक्टिव क्या है, तो आपको डायरेक्शन और गाइड कैसे करना है बेटर वे से, ये हमें इसके माध्यम से पता चलेगा। सो इफ यू वॉन्टेड टू शेयर समथिंग योर स्क्रीन on any pair or any commodities, you can also do that. Okay, so let's go, let's start it. चलो सबसे पहले देखेंगे गोल्ड के बारे में, गोल्ड में अभी क्या क्या चल रहा है, let's see. ऋषिकेश, हेलो, यस बोलिए। हाँ सर, मतलब मला एक प्रश्न होता गोल्ड च्या बद्दल। यस बोलिए ना, तो ओंडाचा चार्ट घ्या सर, तिथे ते दोन मोठे कॅन्डल कसे तयार झाले त्याबद्दल, ते अचानक आले होते त्या दिवशी रात्री परवा, दो कॅन्डल्स कौन से? ओंडा चार्ट वर। हाँ वो एक्चुअली वो क्या हो गया था, लेट मी चेक एक मिनट चालू रखो, मैंने उसका एक्चुअली, हाँ देखो लास्ट टाइम भी देखिए जब वो मार्केट गया था ना 2070 को, राइट 2080 को गया था, उस टाइम भी उनाड़ा का जो चार्ट था ना उसमें प्रॉब्लम आया था, दैट टाइम आल्सो, और कल भी मतलब प्रॉब्लम आया है ओनाडा में, कुछ तो एक बहुत बड़ा स्पाइक दिखाया था, राइट आई गेस, यस सर। और उसके बाद क्या हो गया था, वो ट्रेडिंग व्यू का एक ये भी रिलीज हो गया था, रुको मैं एक मिनट पढ़ के बताता हूँ, मेरे बाकी के इस पे था, मतलब मैंने इंटरनेशनल कम्युनिटीज है उनके ऊपर हमारी जो गोल्डन बुल्स, हम ये मतलब
उनके ऊपर था, लेट मी टेल यू वन मिनट. हाँ सी, हाँ वो उसमें क्या लिखा था, वो स्पाइक था, मतलब 45 से लेकर 77 स्पाइक था कुछ तो समथिंग. बराबर से हाँ, और वो ट्रेडिंग व्यू का एक्चुअली एक ग्लिच था. ओके हाँ, और ये भी उन्होंने बाद में बताया था. रुक नहीं सकते मैं ओनाडा, वो मत यूज करो, ये करो एट कैप करो, उसके बाद पेपर पेपर फ्राई. लेट लेट मी बताता हूँ मैं, दो तीन दिन बहुत दिक्कतें आ रही है. forex.com यूज करो, पेपर स्टोन यूज करो, एट कैप भी अच्छा है. ओके ओके, तो ये तीनों के ऊपर स्टिक करो ज्यादा, दिस आर द बेटर वंस. forex.com, पेपर स्टोन और एट कैप, ये तीनों यूज करो. ओ ये अपना okay, जो okay. एक नंबर का जो है ना, वो ऑनडा का, वो चार्ट मत यूज करो, उसके ऊपर बहुत ग्लिच आ रहे हैं. चलो बहुत अच्छी बात ऋषिकेश जी, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक निकाला आपने. ओके सर, थैंक यू. उसके बाद ठीक है, थिंकिंग गोल्ड क्लोजेस बेरिश मारो बोजो बिलो 1954. ओके, देन इट विल टारगेट 1932, राइट? सही बात है. अरे यार बहुत अच्छा चार्ट भेजा है ये AUD एंड JPY का, डबल बॉटम. ठीक है, वो भी कर लेंगे, देखेंगे, पूरा देखेंगे. चलो सबसे पहले बैक टू द पॉइंट, गोल्ड पे आते हैं. गोल्ड क्या कर रहा है और गोल्ड में पॉसिबिलिटीज अभी क्या हो सकती है, लेट्स सी. तो देखिए लास्ट जो हमने, मतलब देखिए हमने ट्रैक किया था उस दिन लास्ट सेशन में या प्रीवियस सेशन में, ठीक है, और हमारे प्रेडिक्शन थे कि मार्केट डाउन जाएगा, बहुत अच्छे से गया है. ओके, लेट मी रिमूव एवरीथिंग. सब कुछ निकालते हैं, ट्रेड लाइन वगैरह उसके बाद, ठीक है. तो देखिए हायर टाइम फ्रेम में तो हमने ऑलरेडी मार्कअप सब की कर लिया है ऑलरेडी, तो अभी हायर टाइम फ्रेम पे मतलब कुछ मार्कअप करने की तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है. तो पहले हम चालू करेंगे मंथली चार्ट से, ठीक है. तो यह हम आराम से क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है. ये रेड कलर का आप कैंडल देख सकते हो, विच इज वेरी बेरिश. सी, और मार्केट ने क्या किया है, दिस इज वन टॉप, दिस इज सेकंड टॉप एंड ये थर्ड, मतलब ऑलरेडी ये थ्री टाइम्स ऑलरेडी इसने रिजेक्शन दिया है 2017 के आसपास से. ये कैंडल को देख के क्या लग रहा है कि मार्केट बेरिश रहेगा. बट इफ यू सी, मैंने जो चार्ट ओपन किया है वो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है, और ये राइट साइड आप देख सकते हो अगले 10.25 घंटे के बाद में नया मंथली का कैंडल चालू होने वाला है, या नया मंथ 10.25 घंटे के बाद चालू हो जाएगा. ओके, तो उसका ओपनिंग कैसे होता है, और ये जो रेड कलर का कैंडल है इसका भी क्लोजिंग कैसे होता है, वो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. देखिए जब मंथली क्लोजिंग होता है या मंथ का लास्ट डेट होता है, तो उस दिन मंथली चार्ट ओपन करके चेक करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम क्या करते हैं डेली बेसिस पे D1 का कैंडल चेक करते हैं. सो लेट्स सी, डेली बेसिस पे हम चेक करेंगे. सी, एज पर द डेली कैंडल अगर हम यहाँ देखा, तो वी आर सीइंग द थ्री कैंडल. सी, ओके, तो तीनों कैंडल कैसे पैटर्न कौन सा बन गया, दिस इज इन्वर्टेड हैमर, दिस इज काइंड ऑफ डोजी, और ये बुलिश कैंडल, राइट. सो इससे पता चलता है कि मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आ चुका है. गॉट इट. लेट्स गो डाउन चार घंटा, इसको सब कुछ रिमूव करता हूं. अगर यहां देखा जाए हमने, सी मार्केट ने क्या किया है, सेकंड बॉटम, उसके बाद मार्केट जो की
सिटी स्टोरेज बोला जाता है। तो मार्केट जो अभी फिलहाल ये जो सिचुएशन चल रहा है, मार्केट इज इन रेंज राइट, तो फिलहाल तो अनडिसिजनल है, बट अगर डिसीजनल होता है तो हमें जोन मार्क करने पड़ेंगे, सही बात है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक हायर और लोअर जोन मार्क करेंगे या जोन मैपिंग करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। वी कैन कंसिडर दिस लेवल, ठीक है, ये एक लेवल है जो कितना है 2000, ठीक है, वी कैन कंसिडर लास्ट बुलिश मूव बिफोर डाउन, लेट्स कंसिडर दिस लेवल, और दूसरा रहेगा हमारा जोन सी दिस एरिया 1985, ओके। तो ये हमने दो जोन बना लिया, सी लेबलिंग करता हूं, ये 2000, ठीक है, ये जोन का लेबलिंग कर रहा हूं मैं 2000 से लेकर 2015 तक, ये जो एरिया है दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद वी कैन कंसिडर दिस इज सेकंड मोस्ट, 1980 पकड़ो राउंड फिगर चल जाएगा, 1980 पकड़ो राउंड फिगर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एरिया। तो नाउ ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कोई बता सकता है, व्हाट इज दिस, किसी को पता है क्या इसको क्या बोला जाता है? मैंने शायद 3 सेशन पहले बता दिया था समथिंग कुछ, तो एक्यूमुलेशन, ओके, योगेश गडकरी जी, बहुत अच्छा आंसर है आपका, राइट, ओके, चलो और बताइए। स्प्रिंग पैटर्न, स्प्रिंग, तो ठीक है, चलो स्प्रिंग में होता क्या है कौन बता सकता है? चलो हाथ ऊपर कीजिए, रैली बेस, ठीक है, दिस इज रैली बेस, मतलब ये रैली हो गया ना, ये बनाया। चलो हु वांट्स टू शेयर और टॉक ऑन दैट, ओके, यू कैन स्पीक, क्या बोला जाता है इसको, फेक ब्रेकआउट, नहीं ये रेड कलर का जो मार्क किया है ना, दैट्स इट ओनली, हाँ बिकॉज राइट में है, दैट इज रेंजिंग, बुलिश क्यों हुआ, 32 से बुलिश क्यों हुआ, प्लीज एक्सप्लेन, ओके, राइट, एकदम, ईशा मैम बहुत अच्छा आंसर, चलो मतलब सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है आई गेस, या यस बोलिए, तो बहुत मतलब कई सारे आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है राइट। तो मैं काम करूंगा, मैं दो आपको यहाँ सिनेरियो बताऊंगा, तो आपको मुझे बताना है कि कौन सा ज्यादा वैलिड है, ओके, मैं मार्क करूंगा, ठीक है, जो आपके आंसर आए हैं, ठीक है, मार्क कर रहा हूं मैं, जो आपके आंसर आए हैं उसके हिसाब से आपको बताना है, हाँ म्यूट करके रखा है वो, ड्रॉ कर रहा हूँ, वेट वेट,
चलो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट करेंगे, दिस इज फर्स्ट वन, और सेकंड रहेगा एक मिनट, वेट कीजिए एक मिनट, ओके तो दिस इज वन थिंग, इसको हम काम करेंगे, ए बोलेंगे, ये ब्लैक कलर वाला ए, और दूसरा रहेगा दिस। तो जिन्होंने जिन्होंने वो आंसर दिया था मुझे, उनके हिसाब से विच वन विल वर्क एग्जैक्टली, और किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दिस इज ब्लू कलर वाला या रेड कलर वाला, चलो बताइए, वी कैन नेम इट एज अ बी। लेट मी सी, ओके ब्लू वाला, ठीक है, अभी ए वाला वैलिड ज्यादा है या बी वाला ज्यादा वैलिड है, आपने आंसर तो दे दिया लेकिन उसके पीछे रीजन तो कुछ चाहिए, कौन बता सकता है, ठीक है, लेट्स फाइंड ऑड मैन आउट, प्लीज रेज योर हैंड्स दोज हु हैव सेड ब्लैक, और उसके पीछे का जो ये रहेगा मतलब वाई, वो भी आपको बताना है, यस बोलिए, यस यस सर, मैं एक्सपेक्टिंग कि 46 तक खर्च जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी रेंज कर चुकी है, तो उसको अपने लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आना पड़ेगा। ओके। और 46 का एरिया डेली में प्रीवियस इंटरनल कैंडल का विक हाई भी है। ओके। ओके। वैलिड आंसर सर, लेकिन भी नहीं, मतलब ज्यादा वैलिड ए लग रहा है आपको? जी सर, पहले फॉल होगा फिर बाय। लेकिन आज तो मंथली क्लोजिंग है तो सर गोल्ड के लिए कौन सा कोई 200-250 की पिप की मोमेंट बड़ी बात है, उसने विक की छोड़नी है नीचे। सात बजे न्यूज भी तो है। राइट चलो बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर है आपका, एंड मतलब जो हमारे व्यूज हैं, यू आर ऑन द सेम, लाइक वी आर इन द सेम शू देन। जी सर, या नाइस 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 थिंकिंग, एंड बहुत अच्छी बात है द वे यू थॉट। चलो नेक्स्ट वन, हूज गोना, बिकॉज देखिए ये जो मैंने दो एग्जांपल जो डाला है आपके सामने ए और बी, मार्केट में यही सिचुएशन चल रही है। यस यस यू कैन स्पीक सर, ब्लैक वाला बताऊं क्या? बताइए क्यों। ब्लैक वाला जो है डे वन में देखा जाए तो एक हैमर का पैटर्न दिखता है ना। ओके डे वन में, ओके हाँ सही बन गया है, राइट सही बात है। हाँ तो उसके हिसाब से मार्केट ट्रैप करेगा ट्रेडर्स को। ओके तो वो ट्रैप करके नीचे आके फिर पुल बैक देगा ऊपर। ऐसा मेरा रीजन है। चलो बहुत बढ़िया,
मतलब इससे एक बात तो पता चलती है कि सब लोग स्टडी कर रहे हैं और सबका मार्केट में मतलब कंसंट्रेशन अच्छा और स्टडी भी अच्छा बढ़ चुका है। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने जोन तो मार्कअप कर लिया, सही बात है। और मार्केट में अगर फिलहाल में देखा जाए, ये जो मूवमेंट होता है इसको स्प्रिंग बोलते हैं, राइट। स्प्रिंग मतलब होता क्या है, मार्केट ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अगर इफ वी सी ना, अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो मार्केट में पूरा फॉलिंग है, पूरा फॉलिंग है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। और मार्केट को जब ऊपर जाना होता है, मार्केट ओके, बट व्हेन मार्केट वांट्स टू गो टू द अप साइड, उसको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा बाई लिमिट चाहिए या बाइंग प्रेशर चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको बहुत ज्यादा लिमिट चाहिए या बहुत ज्यादा ये चाहिए, पुश चाहिए टू द अपसाइड, तो वो स्प्रिंग मूवमेंट बनाता है मार्केट में, और दिस इज द स्प्रिंग मूवमेंट। ठीक है, तो जिन लोगों ने ए बोला है, ठीक है, मैं सेइंग कि या रैली बेस और रैली ये नहीं हो सकता, वी आर सेइंग कि वैलिडेशन किसका ज्यादा है। ठीक है, लाइक दिस, दैट इज द ए स्ट्रक्चर दैट इज मोर वैलिड। ओके, बिकॉज देखिए अभी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर हमने इस लेवल को कंसिडर किया तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, क्या किया होगा, बाय किया होगा इस लेवल से, सही बात है। तो समटाइम्स मार्केट क्या करता है, मार्केट क्या करेगा, जो ट्रैप जैसी सिचुएशन होती है ना, मतलब लेट मी टेल यू वन एग्जांपल, अगर मान लो एक रैंडम मतलब ट्रेडर ट्रेडर लोग क्या करेंगे, इस एरिया से बाय करेंगे, इस एरिया से लॉन्ग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉपर रैली बेस बनाया है, तो अब ये डेफिनेटली रैली बनाएगा, ये तो बात एकदम सही है, तो इसीलिए ट्रेडर एरिया से बाय करेंगे। तो बाय करने के बाद मार्केट ट्रैप कैसे करता है, वो क्या करेगा, इट विल फॉल डाउन, ठीक है, मतलब फॉल करेगा, और इस एरियाज में जो ऑर्डर है, इस एरियाज में वो सभी ऑर्डर्स लेके मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, दैट इज मोर वैलिड। और आज शायद न्यूज भी होगी, ने चेक नहीं किया है, लेट मी चेक, कुछ तो आज न्यूज होगी, तो न्यूज में द चांसेस आर कि अच्छा सा रिजेक्शन मिल जाए टू द डाउन साइड, और रिजेक्शन मिलके मार्केट रिटर्न ऊपर चला जाए। अगर ये सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली इट कैन इवन ब्रेक 1980 का लेवल, इट कैन ऑल्सो ब्रेक, द चांसेस आर, हाँ ये लेवल है ना, मतलब दिस एरिया, दिस इज लेवल 1942 40 सिक्स का कुछ तो लेवल है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। हाँ दिस इज द लेवल, राइट, दिस इज द लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, सो दिस इज मोर वैलिड। और अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ देखिए एक ये भी बनता है, सी व्हाट इज दिस, अ काइंड ऑफ लाइक अ चैनल, तो दिस इज मोर वैलिड वी कैन से, ठीक है। सो आज के लिए एक सजेशन रहेगा, DXY चेक करेंगे, लेट ये पहले खत्म करके DXY चेक करेंगे, आज का एक सजेशन रहेगा। आज तो कैंडल का मंथली क्लोजिंग भी है, और दूसरी बात मार्केट में क्लियर सिचुएशन भी नहीं है, तो जब तक इस लेवल में आता नहीं है ना तब तक बाय मत करो। और अगर यहां से करना चाहते हो मतलब इस लेवल से लाइक दिस, तो वो आपकी खुद की रिस्क होगी, का भी कितना आ रहा है प्रोजेक्शन, ठीक है, दिस एरिया, तो इसमें दो लेवल्स रहेंगे। चलो हम एक्सट्रीम वाला भी हम कंसिडर कर लेंगे, इसको हम एक्सट्रीम डिमांड बोलेंगे, राइट। तो लेट मी गिव यू टू लेवल्स जो बाइंग की एक अच्छी लेवल्स हम कंसिडर कर पाएंगे, ठीक है। लेट मी गिव द प्राइस टैग्स, 1945 44, और वी कैन से 1936 या 38 कंसिडर कीजिए इन ओवरीज। तो देखिए इसमें हम बाइंग के सेटअप कैसे लगा सकते हैं,
इट इज लाइक दिस, वी कैन गो लाइक दिस, रूम के नीचे टीपी हमारा रहेगा डेफिनेटली आपको दिस एरिया। ठीक है, ये देखिए मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि अच्छा हमें वेट क्यों करना है, वेट करके एक स्नाइपर एंट्री मारना है। सी इसको क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हम ये नीचे लगाएंगे बिलो द लोवेस्ट लो और टीपी हमारा रहेगा अप टू द सेम एरिया। सेम एरिया मतलब कौन सा, कि दिस इज ये लेवल हाई वाले लेवल। ठीक है, वी कैन गो लाइक दिस वन, आपको प्रॉपर आर आर रेशियो भी लगा के दिया है। सी ऊपर वाला जो रहेगा वो रहेगा 1:4 RR। ठीक है, 190 पिप्स फॉर द रिस्क ऑफ 50 पिप्स, चलो वैलिड है 1:4। और जो बॉटम वाला है दैट इज 1:3.5 और ये भी टारगेट $25 का है, मतलब 250 की फॉर द रिस्क ऑफ 70 पिप्स, ये भी वैलिड है। व्हाट इज द रीजन फॉर बुलिश मोमेंट एट 90:32? आपने अगर मूविंग एवरेज लगाया होगा, मेरे ख्याल से 200 का मूविंग एवरेज रहेगा कुछ तो वीकली के टाइम फ्रेम से, नहीं 100 का रहेगा और डेली के भी टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ तो मूविंग एवरेज था। ठीक है, कौन बात, लेट मी चेक मोल। ओके, व्हाट इज द रीजन, एक व्हाट इज द रीजन फॉर बुलिश मोमेंट एट 1932? ओके, लेट मी ओपन न्यू चार्ट एंड टेल मी दैट, लेट मी टेल यू। सी अब आपको रीजन भी मिले होंगे। ठीक है, लेट मी नो एवरीथिंग। देखिए लास्ट हमने दो लाइंस भी ड्रॉप किए थे, मार्क किए थे रेड वाले। सी इफ यू सी ना, दैट इज द फर्स्ट टच, दिस इज द सेकंड टच, ओके। सो इसमें हमें ऑलरेडी दो टचेस तो मिल गए हैं और थर्ड टच इज हियर एट द लेवल ऑफ 1932, यू कैन क्लियरली सी दैट। अगर दूसरी चीज देखी जाए 1932 ईएमए रहेंगे वहां पे, चेक रहेगा डेफिनेटली ईएमए रहेंगे। मतलब कि ऐसे नहीं होता कि हर टाइम प्राइजेज जो होती है वो ट्रेंड लाइन पे टच करके वेट करती है या ट्रेंड लाइन के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट होती है, ऐसे हर मतलब हमेशा नहीं होता है। सी मार्केट ने क्या किया, देखो हम जो सप्लाई और डिमांड जोन बनाते हैं द सेम कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट। देख सी एज पर द प्राइस एक्शन, ठीक है, एज पर द प्राइस एक्शन इसको क्या बोला जाता है, सपोर्ट। सही बात है, ट्रेंड लाइन भी है और प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट है, दो चीजें होगी। चलो लेट मी टेल यू अनदर थिंग्स, अगर ये सिचुएशन को देखा जाए तो मार्केट एक काइंड ऑफ चैनल में है। ठीक है, मार्केट इज काइंड ऑफ अ चैनल, चैनल काइंड ऑफ थिंग, और चैनल इन होने के बाद क्या होता है, बुलिश जा रहा है, शूटिंग टू द अपसाइड। ठीक है, ये भी एज पर द प्राइस एक्शन हो गया। और चैनल कब एंड होता है, चैनल के एंड पे वहां डेफिनेटली 95% ऑफ ट्रेंड लाइन होती ही है। अगर ट्रेंड लाइन होती है तो उसका वैलिडेशन ज्यादा होता है, और सी we have got a trend line here, so that is also more valid. Dusri cheez, see this, this is the proper demand zone. Are aap totally clearly dekh sakte ho ki proper demand pe touch karke market ne ek reflection diya hai. So there are many reasons. Agar ye jo humne levels draw kiya tha like this, ye kyun draw kiya tha, ki
ये क्या है? सी। तो इसके नीचे का पार्ट क्या होता है? व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड? व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड? बहुत सारे ऑर्डर्स, ठीक है, तो मार्केट को क्या करना होता है, ये जो ऑर्डर्स होते हैं इस एरिया में पेंडिंग, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, कुछ अल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट का मूवमेंट होता है। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, जितने बताना जाऊंगा उतना कम पड़ेंगे, ठीक है। लेट गो टू द डी, डिक्सी चेक करेंगे, अरे डिक्सी इज एट 10500, सो मतलब लास्ट टाइम जितना था उतना ही है। ओके, एज पर दिस द ट्रेड लाइन इज ब्रोकन, ठीक है, द ट्रेड लाइन इज ब्रोकन, पर इतना बहुत ज्यादा ही नहीं है, मतलब वी कैन से, ठीक है, कैंडल का क्लोजिंग, हाँ कैंडल का क्लोजिंग भी है, सो वी कैन गेट लाइक दिस अप टू जोन, but the thing is that this area, see on the left side, इतना area consider करो, see these areas, यहाँ पे candle के rejection कितने हैं, there are rejections, so the valid supply zone would be this, इसको हम extreme supply बोलेंगे, so this is more valid supply zone as compared to the upper level. अगर ये सिचुएशन बनती है तो मतलब अभी जो हमने गोल्ड में क्या देखा था, इफ डिक्सी गोज टू द अपसाइड, गोल्ड गोज टू द डाउनसाइड, राइट, बिकॉज डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, सो व्हाट सिचुएशन इज इन गोल्ड, मार्केट इज इन काइंड ऑफ लाइक, के बाद उसने क्या किया, एक स्क्रीन किया, स्क्रीन करने के बाद उसने ये एक बेस बनाया, देन वी वॉन्ट क्या, एक नीचे टैप करके शूट टू द अपसाइड, तो दिस सिचुएशन वी वॉन्ट इन गोल्ड, राइट। अगर ये सिचुएशन गोल्ड को फॉलो करना है तो डिक्सी को देखिए, एज पर दिस डिक्सी को थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, राइट, सो डिक्सी नीड्स टू क्या, डिक्सी नीड्स टू गो टू द अपसाइड, देन इट कैन फॉलो लाइक दिस, तो ये सिचुएशन है डिक्सी में। लेट अस चेक, बिकॉज मंथली क्लोजिंग भी है, तो वी विल वेट, लेट मी गो टू द अदर पेयर विच इज यूरो यूएसडी, उसमें भी एक बहुत अच्छा मतलब सेटअप है, ये सेटअप कितने फॉलो किया, बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत बढ़िया सेटअप था, 113 पीपल भी टारगेट ले लिया, बहुत अच्छा, और इसमें मल्टीपल एंट्रीज भी ली जा सकती थी, दोज हु हैव फॉलोड अचीयर्स टू यू, जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सो वी आर क्लियरली सीइंग क्या, मार्केट इज इन अ चैनल, और जो हमने जोन बनाया था, सी जो 4 आवर पे बनाया था, सी अभी भी देखिए इट इज वैलिड, और देखिए मार्केट ऑलरेडी अभी टच करके इसने रिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर लिया है, इसके मैं लेवल्स आपको देता हूँ, एक मिनट, so these are the levels of zone on euro usd, see this area, market abhi bhi channel mein hai, theek hai, we can see that here, see this movement, it is kind of a fake movement, okay, aur fake movement lene ke baad market ne kya kiya hai, it has made new lower low, तो अभी हमें इसमें स्विंग ट्रेड किया जा सकता है, ओके, एज पर दिस इज द जोन और दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हम चेक कर सकते हैं, या कीप इट इन योर माइंड, और दूसरा दिस एरिया ओनली, सिंगल अगर कैलकुलेशन करना है तो दिस एरिया ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिलहाल के लिए, तो हमें क्या चाहिए, वी नीड अ ब्रेक ऑफ दिस लेवल, तो लेवल
अर्न विंड शूट टू द अपसाइड. तो हमारा टारगेट रहेगा, वी कैन टारगेट अप टू दिस एरिया. दिस इज नियरली अबाउट सी 120-125 पिप्स. यूजुअली होता क्या है, जब जब प्राइस चैनल बाहर पड़ी है तो डेफिनेटली इट कैन रीच टू द एटलीस्ट 50% ऑफ द चैनल एटलीस्ट आई एम सेइंग. मतलब ये वर्स्ट टू वर्स्ट केस हो गया, एटलीस्ट 50%. तो ये 50% भी अगर काउंट कर लिया हमने तो दैट इज 200 पिप्स नियर बाय. तो अगर यूरो यूएसडी में जाना है तो इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ब्रेक करने के बाद रिट्रेस एंड देन वी कैन गो टू द अपसाइड. दिस इज अ सिंपल और सिंपल चीज, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिमाग में लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है. और हाँ, मतलब लॉन्ग के लिए स्विंग ट्रेड हम ले सकते हैं, और जिसको बहुत मतलब रिस्क लेना है दे कैन ओपन और गो लाइक दिस, बट स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा ना भाई, 40-45 का ब्रांड इट इज लाइक दिस. और यू कैन इवन टारगेट अप टू दिस एरिया, नो इश्यू. जोन बना के इंक्रीज कर सकते हो या ब्रेक इवन भी सेट कर सकते हो. बट प्रॉब्लम क्या है, आज मंथली क्लोजिंग है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. तो कैंडल का क्लोजिंग कैसे होता है और न्यू कैंडल कैसे होता है वो देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट. तो थोड़ा सा वेट करेंगे यूरो यूएसडी के लिए, बट आफ्टर दैट हम एक अच्छा सा स्विंग फॉलो करेंगे यूरो यूएसडी में, ठीक है. और कुछ कौन सा पेयर यूएसडी का चेक करना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, सो वी विल लुक ऑन दैट. ओके, जीबीपी जेपीवाई. डॉलर स्ट्रांग है गोल्ड में. लेट्स सी क्या होता है. ठीक है ठीक है ठीक है, वेट वेट करते हैं न्यू अपडेट वेबसाइट से. ठीक है, लेट्स स्विच टू द जेपीवाई, जीओ एंड जेपीवाई. JPY, okay. JPY ने क्या किया है, हमने जो देखिए सीधे हमने जो ये डिमांड जो एक्सट्रीम किया था उसने ऑलरेडी टैप करके एक रिफ्लेक्शन दिया है, ठीक है. और वी कंसीडर कर लिया, कंसीडर दिस एज अ जोन. आई एम टेलिंग यू मल्टीपल टाइम्स कि मार्केट ने डेफिनेटली यहाँ जीओ में जाना ही जाना है. ये इसको यहाँ रीच करना ही करना है, ओके. और एंट्री टाइप यहाँ लेट मी चेक, ठीक है. गुड एरिया, कैन वी गेट बाय ऑन दिस, बाय के लिए जा सकते हैं क्या. So that day in gold on trading view there were different candles. Why like this? वो होता है अगर charts में glitch आता है ना, तो मैंने already बोल दिया है कि 8cap use करो, forex.com use करो, paperstone use करो. मतलब ये onda में बहुत problem आ रहे lately, तो उसको use मत करो, glitches है वो. Okay. तो ये थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, दिस सेटअप इज गुड, लुक नाइस. सेटअप तो बहुत अच्छा है, बट अगर लोअर टाइम फ्रेम में आपको बताया जाए तो हमें इसमें चाहिए क्या. कंसिडर करें दिस एरिया और
दिस एरिया, अगर मार्केट ने मतलब इस मतलब फिलहाल फ्रॉम दिस लेवल अगर ब्रेक करता है ठीक है, लेट इट रिटेस्ट वंस देन बाय कीजिए, यू कैन गो लाइक दिस देन। अब भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा वो रिस्की ये होता है, एंट्री टाइप्स होता है ना रिस्की एंट्री टाइप, वो एस टू 2.5 आर गो लाइक दिस आपका छोटा रहेगा लाइक 16.5 करेगा और आपका न्यूज होम आएगा इस लेवल पे नियर बाय ठीक है, तो यू कैन गो लाइक दिस। अभी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा वेट करनी चाहिए, कंफर्मेशन मिलता है तो आई विल लेट यू नो अबाउट इट। AUD USD का एक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत अच्छा है, आपको एक बहुत अच्छा स्विंग मिल सकता है। ठीक है सिंपल सी चीज क्या करना है आपको, लेट मी रिमूव एवरीथिंग, दैट इज वेरी गुड नाइस स्विंग। सी एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे from this level to okay, again simple चीज़ है, कुछ complication नहीं, कुछ नहीं, clean structure, clear structure, okay, क्या किया weekly का ऊपर भी trend line draw किया, तो दो चीजें हमारी complete हो गई। Now हमें क्या करना है, sorry, now हमें दोन बनाना है। See, this is the area. This is the area, simple चीज, तो इस एरिया से हमें जो स्विंग मिलने वाला है दैट इज मच मोर, और ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। इसको अगर रिफाइनमेंट दिया जाए तो इट कैन बिकम लाइक दिस, प्रॉपर आपको लेवल बताऊंगा, एक मिनट वेट कीजिए सर। वी विल कंसिडर दिस स्टेटस, और द नेक्स्ट वन इज दिस। सो दिस आर द टू लेवल्स, बहुत अच्छे लेवल्स टारगेट बाय फ्रॉम दिस, और ये कम से कम जब बाय के लिए जाएगा ना तो उसमें टीपीज के लिए फर्स्ट इज दिस, second is this, sorry, first is this, okay, second is this, and the third one we can count, yes, these are the CDs we can consider, और all over रहेगा ना वो इसके ऊपर ही जाएगा, क्यों, क्योंकि when there is like, okay, see, ये जो चीज है इस ब्रेक करके डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा, तो कितने पीस मिलेंगे अगर कैलकुलेशन किया जाए फॉर द स्विंग ट्रेडर्स, इट इज नियरली 100 पीस वी कैन टारगेट फॉर द रिस्क ऑफ, चलो अगर मान लो यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं और नीचे भी अगर लगाया, ठीक है, पिप्स का जो स्टॉप लॉस रहेगा और 400 या 500 पिप्स का हमारा टीपी रहेगा। अगर इसको और कम करना है तो वी कैन गो लाइक दिस, सिंपल चीज क्या करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम एकदम टाइट लगाएंगे, या इसे इस जोन, ये जो दो लाइन हमने ड्रॉ किया है इसमें आने दो, इस ये लाइन में आने के बाद हम क्या देखेंगे, टैप्स देखेंगे, टैपरिंग कितनी बार होता है, तो एक दो बार अगर अच्छे से टैपरिंग होता है तो डायरेक्टली हम लगाएंगे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम 30-35-40 पिप के अंदर ही आ जाएगा, और इसे कितने डॉलर का मूवमेंट करना है, 80 पिप्स का, सो कुछ नहीं आ जाएगा, वेट करेंगे फॉर दैट।
चलो लास्ट एक पेयर देखेंगे या दो पेयर देखेंगे, उसके बाद वी विल डन विद इट। जीबीपी जेपीवाई, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई इज एट सप्लाई जोन, ठीक है। एक्सट्रीम वाला जो सप्लाई है, टॉप वाला, इट इज नियर अबाउट दैट, ठीक है। अगर डेली के कैंडल में देखा जाए तो वी आर क्लियरली सीइंग, ठीक है, यू कैन सी द डेली कैंडल्स रिजेक्शन कैसे आ रहे हैं। सो वी कैन मतलब एक्सपेक्टेशन हम आराम से लगा सकते हैं। सी दैट इज द दोजी, ठीक है। सेकंड इज आल्सो काइंड ऑफ दैट। थर्ड जो है बहुत नीचे आया था, 100 मतलब 172 500 पे आया था, बट उसके बाद थोड़ा सा रिजेक्शन मिला है। तो हमें चाहिए क्या इसमें? सी ये क्या हो गया, टॉप्स भी हो गए, तो उसके बाद क्या होता है? डेफिनेटली देखिए, ये सिचुएशन तो बननी ही बननी है, राइट। जीजे में एंट्री मॉड्यूल मिल सकते हैं आई गेस। हाँ, इट इज नियर अबाउट एंट्री मॉड्यूल, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज बताऊंगा इसमें। वी कैन कंसिडर दिस इज द फर्स्ट टॉप लाइक दिस, वी कैन कंसिडर दिस इज द सेकंड टॉप डाउन नेकलाइन। तो मतलब दिस इज द नेकलाइन ना, ये नेकलाइन होगी, पूरी नेकलाइन तो ब्रेक होगी। रिटेस्ट देन वी गो टू द शूट टू द डाउन साइड। अगर जोन सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे जोन है, बट द थिंग इज दैट कौन दो जोन से हमारे, सी दिस इज द वन एरिया। 15 मिनट में हम ये करेंगे, डोंट वी कैन ड्रॉ आल्सो इन 15 मिनट्स। दिस इज द फर्स्ट एरिया और दिस इज द सेकंड एरिया। ठीक है, इसमें दो एंट्री मॉडल कैसे बैठेंगे, स्टॉप लॉस कितने पिप्स का कंसीडर कर सकते हैं हम, वो भी चेक करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला जो है दैट इज फॉर द स्टॉप लॉस है उसका 20 पिप्स का, और वी कैन टारगेट, चलो फर्स्ट लेवल हम यही कंसीडर करेंगे लाइक ओके लाइक दिस। सो दैट इज फॉर, ये हो गया 1:5.5 RR, 20 पिप्स स्टॉप लॉस और 100 पिप्स का तो हमें टारगेट आराम से मिल रहा है जीजे में, और जीजे का एक दिन का ये मूवमेंट है, इट इज नॉट न्यू। ये हो गए पूरे हमारे लोज, वी कैन सी क्लियरली ये इक्वल लोज हो गए हमारे सारे। उसके बाद एक ब्रेक, रीटेस्ट, देन शूट टू द डाउन साइड। सो दैट इज द वन थिंग। ठीक है, नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऊपर, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे उसको। हाँ, सो दिस इज द परफेक्ट एरिया, यहां तक तो हम 100 पिप का तो हम टारगेट ले सकते हैं आराम से। See, it has a various touches, 1, 2, or 3. Third is not yet, but expected है. और हालांकि देखा जाए, so that is also whole area is also support zone. So as you see, वो trend line को align कर रहा है, alignment है अच्छा. We can consider this area for the TP. This is the one thing. और दूसरा जो रहेगा, so that is ये area. लाइक दिस, हाँ चल जाएगा, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ओके लाइक दिस। बट इसमें थोड़ा सा कितना आएगा, ये 1:3 RR है, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है ना, 26 पिप्स का, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, ये जोन में आने के बाद विक्स देता है और आफ्टर दैट इज गोज टू द डाउन साइड। सम बहुत सारे लोग टाइट लगाते हैं ना स्टॉप लॉसेस, ये हिटिंग के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज ऑन जीबीपी जेपीवाई। थोड़े से कंफर्मेशन चाहिए हमें और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, और इफ वी सी ये जोन में अभी तक टैप नहीं हुआ है, तो अंटिल ये जोन में टैप नहीं होता, आई पर्सनली आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल इट। टैप होना इम्पोर्टेंट है, सो इट इज नॉट टैप्ड येट, लेट्स सी। अगर मतलब रिस्क लेना चाहते हो तो यू कैन डू दिस, दो सेटअप आपके सामने रेडी।
30 मिनट में या हेड एंड शोल्डर भी दिखा रहे हैं मतलब जीजे में क्या? एक मिनट सर, टेल मी अबाउट, एक 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 मिनट, हेड एंड शोल्डर, हाँ मतलब हाँ वी कैन लाइक दिस इज ओके 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 हाँ परफेक्ट, हेड एंड शोल्डर भी है यहाँ पे राइट. सो दिस आर द वैलिड एरियाज और वैलिड जोन्स. ठीक है चलो बाकी के तो मतलब इतने कुछ नहीं है. सो दैट इज इट क्लियर. सो कोई क्वेश्चंस है कुछ पेयर्स के बारे में, करेंसी पेयर्स के बारे में, कमोडिटीज के बारे में, किसी को अपना चार्ट शेयर करना है तो यू कैन आल्सो डू अ स्क्रीन शेयरिंग हियर. आप आपके ओपिनियन भी ये कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ. आप कुछ चार्ट को कोई एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, आपका भी पर्सपेक्टिव हमें पता चल जाएगा. Yes, let me see. अभी गोल्ड पर कितने बार बात करेंगे, कितने बार? जीबीपी कैड का एक ये आया है, मे बी दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, ट्विजर टॉप पॉसिबल डाउन साइड. ओके ब्रेकआउट देन इट इज रेस्ट टू द गोल्ड. जीबीपी कैड चेक करते हैं. बट चार तो अच्छा है आपका. हाँ जोन तो अच्छे हैं. ठीक है नो प्रॉब्लम. ये किसने भेजा है? राज जी ने भेजा है. लेट मी चेक. वो एक करो और बॉटम वाला एक करो, एकदम एकदम सबसे बॉटम वाला, सबसे सबसे बॉटम वाला एक. हाँ मतलब कर सकते हो कंसीडर. दो बनाए थे ना हमने भी. यस सर, दस पीपल हु हैव रेज्ड देयर हैंड्स यू कैन टॉक. ओके इफ यू डोंट वांट टू टॉक, इफ यू डोंट वांट टू से एनीथिंग यू कैन लोअर योर हैंड्स. जीबीपी जेपीवाई का सटीक है एकदम. हेलो बोलिए 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 सर. गुड इवनिंग. यूएसडी कैड का थोड़ा सा देख देंगे सर? यूएसडी कैड का फॉलिंग में है. फॉलिंग में ठीक है. एक मिनट वो चेक सर, बड़े टाइम फ्रेम में भी. हाँ मतलब सी ये लास्ट टाइम एज आई टोल्ड यू, देखिए लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया राइट, और हमने ट्रेड भी एग्जीक्यूशन के लिए मैंने आपको बोला था, लेवल्स भी बताए थे. लेकिन ये इसका देखिए फंडा क्या हो गया, इसने मूवमेंट होंगे $40 का, चालीस फीट का मूवमेंट करने के बाद ब्रेक इवन हो गया. ब्रेक इवन सी दिस एरिया, इट इज क्लियरली अ ब्रेक इवन. बी में क्या होता है, यू हैव टू शिफ्ट योर स्टॉप पॉइंट. सो लाइक आफ्टर द गेटिंग ऑफ 40 पिप्स बी हिट हो गया, नो इशू. एंड इफ यू सी प्राइस इज बैक अगेन एट द जोन, अपना जो हमने जोन बनाया था एक्सट्रीम वाला, प्राइस इज बैक अगेन एट द जोन. अगर ये इक्वल हाई इसको कंसीडर कर लिया तो इसके प्रोबेबिलिटी है यूएसडी कैड की इट विल गो टू दिस एरिया और यहां से ये फॉलोइंग हो जाएगा. It can go to the upper area then. ठीक है, एक बार this area मतलब ये जो हमने trade execution किया था उसने यहाँ हमें एक totally ये किया, मतलब क्या बोलते हैं, फंसा दिया.
तो इसलिए बी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बी मतलब इस लेवल पे सेल मत कीजिए, वेट कीजिए। सो दैट इज व्हाट जीबीपी कार्ड में तो पूरा ये बन चुका है। Let me check it on higher time frame. See, GBP CAD में मतलब my things can reach this area. और ये हमारा रहेगा zone. अगर इसको line को extend करते हैं तो see देखिए it is perfectly respecting that. और यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत अच्छा एक rejection है और after that see. So these are the two areas. We are interested. ज्यादा इसका वैलिड रहेगा, वैलिडेशन कौन सा रहेगा, ज्यादा वैलिड रहेगा ऊपर वाला, ठीक है। सो इसमें अच्छा सेटअप हमारा रहेगा, इसको ऊपर जाने दीजिए, ठीक है। टैप So this is the thing. GBP CAD में वेट कीजिए थोड़ा। और अगर मान लो करंट की सिचुएशन के हिसाब से, करंट के सिचुएशन के हिसाब से अगर यहाँ एक फॉलिंग होता है, ठीक है, अगर फॉलिंग क्या आता है, नो वरी, इस लेवल से हम फिर से बाय कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एरिया, अगर मान लो मार्केट अगर इस एरिया में आता है तो इस एरिया से हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी चेक कर सकते हैं। आरआर हमको इसमें इजीली मिल जाएगा, लाइक 30 पिप्स का स्टॉप लॉस एंड कैन टारगेट दिस टाइम मिल जाएगा। और अगर लंबा खींचना चाहते हो तो यू कैन टारगेट दिस एरिया आल्सो 150 पिप्स। सो 1:5 आरआर भी आपको इसमें 1:4-5 भी आराम से मिल सकता है जीबीपी कैड में। ट्रेंड लाइन भी अलाइन है, सी लाइक दिस। तो इफ अगर ये इस एरिया से वी कैन क्लियरली बाय ऑन इट। चलो सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे। अभी किसी को किसी पेयर के बारे में, यू कैन रेज योर हैंड्स, किसी को किसी पेयर के बारे में अगर कुछ पूछना है, अपना ओपिनियन बताना है तो दे कैन क्लियरली टॉक और स्पीक। गोल्ड का क्या लगता है रोहित? बोलिए। मेरे को हिंदी है, मराठी नहीं? हेलो, आपको कुछ दिक्कत नहीं है, बोलिए सर। आपण चैट फॉर्म का स्काइप म्हणजे करू शकतो की आता बाइंग लाय का सेलिंग लाय? वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे करते हैं ना हम। और जोन मतलब ऐसा होता है, आप मतलब अगर ज्यादा टाइम ने अगर आप आपने टाइम स्पेंड किया है अगर चार्ट के ऊपर तो मतलब आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक मतलब मूवमेंट देख के पता चलता है कि किस एरिया से बाइंग हो सकता है और किस एरिया से सेलिंग हो सकता है, कहाँ जोन का इम्प्लीमेंटेशन होता है। जितना आप ज्यादा उसके ऊपर टाइम स्पेंड करोगे उतना आपका परफेक्शन हो जाता है उसमें। एंड द टेक्निकल भी है ना सपोर्ट के लिए, टाइम फ्रेम देखिए, बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना वो ज्यादा वर्क करता है या उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लोअर टाइम फ्रेम्स। लेकिन 15 मिनट करना है एंट्री मॉड्यूल के लिए, 15 मिनट में ना। एंट्री हमें 15 मिनट के लिए, 15 मिनट। ये जीबी का लेवल दैट इज अ परफेक्ट सेटअप, ओके। यस, दो तीन राजीव बोलिए।
हेलो सर, आवाज आ रही है सर आपको? यस यस यस, क्लियर एंड क्लोर, बोलिए सर. मी एक्सयू यूएसडी आपला गोल्ड वर मी चार्ट केलेला आहे. एक तासामध्ये बरोबर डिमांड झोन केलेला आहे 1942 टू 1946. ओके, आणि दुसरे त्यानंतर रेजिस्टन्स काढलेला आहे नॉर्मल हॉरिझॉन्टल 1956 बरोबर आहे. 56 ओके, त्यानंतर त्याच्या वर आहे ना 1 आवरचा सप्लाय झोन आहे 1958 ते 65, ते बरोबर आहे सप्लाय झोन का नाही? ओके, हाँ बरोबर आहे ना सर? नाही, इसको हम कंसिडर नाही करेंगे अभी. हा म्हणजे पण त्यांना अजून वर गेलं नाही त्याच्या सप्लाय झोनच्या अजून. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ब्रेक, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक दो बार अगर रिस्पेक्ट करता है ना तो वो जोन मत कंसीडर करो, निकाल दो. म्हणजे आज मार्केट ट्रेड करण्यासारखं नाही. नाही आज, मतलब बाकी कई सारे भी ग्रुप है जिनमें झगड़ा चालू है कि ये यहाँ से बाय जाएगा और बाकी पीपल से ही करेंगे, यहाँ से नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा. यस यस, तो थोड़ा सा आज सोच समझ के ये कीजिए, ठीक है? जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती है तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल सी चीज. चलेगा. ओके. और चलो, कोई लास्ट वॉलंटियर, उसके बाद वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन. यूएसडी सीएचएफ का मैंने देखा नहीं है बिकॉज मार्केट्स ऑलरेडी, मतलब बहुत ट्रेड उसमें ले लिए हैं. जब तक ये जब आएगा ना, वो जोन में आ जाएगा ना, तब वी विल डू ऑन इट, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे उसके ऊपर. चलो, द लास्ट नीरज सिंह, उसके बाद वी आर डन विद दिस. ओके, यू कैन स्पीक, दिस इज द लास्ट. हेलो, बोलिए नीरज जी. सर, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है. ओके, तो मतलब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने से मतलब हम ज्यादा एक्यूरेट रहेंगे या छोटे टाइम फ्रेम पे? नहीं, होता क्या है, बड़ा और छोटा टाइम फ्रेम में डिफरेंस एक ही है कि बड़े टाइम फ्रेम से अगर ट्रेड लिया जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है. जी जी, ठीक है. मतलब 50, 60 या 100 पिप का तो हम स्टॉप लॉस तो हर बार तो नहीं लगा सकते 50, 60 पिप का. और उसके लिए चाहिए क्या, आपका अकाउंट साइज बहुत बहुत बड़ा चाहिए, लाइक यू डोंट केयर, इतना इतना बड़ा चाहिए अकाउंट. अगर SLB एक दो यूपी होते हैं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना SL बड़ा होता है. और छोटे टाइम फ्रेम से फायदा क्या होता है कि स्टॉप लॉस भी छोटा होता है ना, वो अफोर्डेबल है. लेकिन सर, मैंने मतलब बहुत सारे ट्रेड्स किए हैं, लेकिन मैं जब बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ तो मतलब ज्यादातर टाइम्स मेरा बड़े टाइम फ्रेम पे सही जाता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे मैं फेल होने लगता हूँ. आप छोटा टाइम फ्रेम मतलब कौन से टाइम फ्रेम बोल रहे हैं, छोटे एकदम? सर, 15 मिनट पे मतलब मैं ज्यादातर मतलब फेल हो जाता हूँ, और आवरली या फिर 4 आवर पे देखता हूँ, मतलब वो ज्यादातर उसमें सही जाता हूँ. एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, द थिंग इज दैट जो हमें मार्केट में देखिए, जब कभी भी हम एनालिसिस करने के लिए बैठते हैं ना, तब हमें दो तरीके से एनालिसिस करते हैं. पहला क्या होता है, मेजर स्ट्रक्चर. अब ये मेजर स्ट्रक्चर क्या होता है, मेजर स्ट्रक्चर का जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसमें, चाहे जोन हो या ट्रेंड लाइन हो या कोई पैटर्न हो या अलग अलग कुछ तो सिमेटिक्स हो, तो ये 2 घंटे पे करना चाहिए.
दो घंटे पे या एक घंटे पे, ठीक है। और माइनर जो होता है ना वो ड्रॉ किया जाता है 30 मिनट या 15 मिनट में। मेजर एक फ्लो होता है उसका, मेजर स्ट्रक्चर, माइनर, माइनर मैपिंग, मेजर मैपिंग, माइनर मैपिंग, और वो करने के बाद आता है एंट्री मॉड्यूल। तो एंट्री मॉड्यूल होता है, एंट्री मॉड्यूल क्या इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए आपके पास मेजर भी है और माइनर भी, अभी मैपिंग हो गया है, स्ट्रक्चर बन गए, तो आपको एक पूरा अंदाजा आ रहा है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। प्रॉपर एंट्री टाइप के लिए, ऐसे भी नहीं है छोटा टाइम फ्रेम भी रखिए, अगर 5 मिनट का भी चार्ट आप लगाते हो। सी अभी सिंपल सी चीज बता दो आपको, ठीक है, ये अभी टाइम फ्रेम है आपके सामने, ओपन है टाइम फ्रेम, ठीक है, 15 मिनट आप कंसिडर करते हैं, चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, कॉल का ही चार्ट है। चलो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने 45 से अगर ट्रेड लगाया, मैं स्टॉप लॉस रखूंगा मेरा यहाँ, ठीक है। मतलब क्या हो गया, सिंपल सी चीज देखिए, अभी ये देखिए सेम चीज, ये 15 मिनट में है, स्टॉप लॉस कितने पिप्स का, 130 या 140 पिप्स का। अगर यहाँ एक घंटे में जाते हैं तो सी कुछ फर्क नहीं होता, इट इज द सेम थिंग। लेकिन मतलब सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि इसमें हम दो ट्रेड ले सकते हैं, सिंपल चीज, इतना ही हमारा जोन है, यह बाइंग करना है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, बात खत्म, पिक्चर क्लियर। तो हमारा ये 140 पिप का जो स्टॉप लॉस था वो हमने दो एंट्री में कन्वर्ट कर लिए, और इससे हुआ क्या, हमारा आरआर भी बढ़ गया और हमारा टारगेट, सिंपल चीज दिमाग में रखो, लॉस करना है कम करना है, प्रॉफिट निकालना है ज्यादा निकालना है, सिंपल चीज। वो ठीक है सर, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एक बात और कि मतलब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में मतलब मैं क्या करूं कि मतलब मेरी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ सके। अभी मैपिंग जो है ना, ये देखिए ये छोटा स्ट्रक्चर है, ये 15 मिनट में ड्रॉ करना है, उसके बाद ये सिर्फ छोटे जोन निकालना है। सही बात है, ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये ऊपर का देखिए ये मेजर जोन है, वो एक घंटे या यू कैन सी दो घंटे में ये परफेक्टली बैठेगा। सी कौन सा, ये निकाल दो, चलो ये पढ़ो, ये मैंने क्या किया, दो बनाया, एक घंटे में बनाया, ये हमारा प्रॉपर जोन बन गया। और ये क्या है, ये सब मैनिपुलेटिव एरिया है, अगर इस लेवल का अगर मार्केट आता है तो डेफिनेटली इस रिटर्न मतलब बिकिंग के चांसेस हो गए। उसके बाद एक घंटे में ये हमने जोन बनाया, ठीक है, और अच्छे देख सकते हो तो नीचे के जोन हमारे सिर्फ 15 मिनट में हमने बनाए एंट्री मॉड्यूल के लिए। अच्छा सर, मतलब 15 मिनट के लिए मुझे मतलब एक्स्ट्रा जो मतलब दो अलग जोन बनाना पड़ेगा और। हाँ जी सर, थैंक यू। ओके हेलो सर, आवाज है पे, हेलो हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, यस यस बोलिए। सर माझे दोन तीन प्रश्न आहेत सर। ब्रेक इवन, हाँ ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है सर, ब्रेक इवन मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आप कितने सेशन आपने अटेंड किए हैं आज तक? सर मैंने 5-6 सेशन अटेंड किए हैं सर। तो मेरे ख्याल से मैंने ब्रेक इवन का इसके पहले बताया था, सीधे सिंपल चीज क्या होती है ब्रेक इवन का मतलब। एक काम करेंगे, ये जोन बनाएंगे, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमने इस जोन से क्या किया है, बाय किया। अच्छा और के बाद हमने क्या
हमारा स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे लगा है। जी और प्राइस क्या करती है, प्राइस बना के हमारे जोन में आ गई, हमने क्या किया यहाँ पे बाय किया, तो बाय करने के प्राइस क्या करता है थोड़ा ऊपर जाता है। और अभी अगर ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चालू है तो हम तो उसको 24 घंटे तो हम मोबाइल या लैपटॉप पे तो नहीं बेच सकते ट्रेड को, तो हमें क्या करना है, ट्रेड तो हमारा प्रॉफिट में चालू है लेकिन अगर बाय चांस मार्केट क्या होता है यहां से अगर रिवर्स तब हमारा लॉस नहीं होगा। देखा जाए दिस एरिया तो ये 20 pips हमारा लॉस हो जाएगा ना, ये जो स्टॉप लॉस हमारा नीचे लगाया है ये अगर प्राइस नीचे तो हमारा डेफिनेटली लॉस हो जाएगा यार। मतलब इस एरिया में हम क्या थे, प्रॉफिट में थे, अभी बाद में हम इसमें आ गए लॉस में आ गए, तो ये लॉस बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो स्टॉप लॉस होता है एंट्री पॉइंट को शिफ्ट करना है और आपको आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है उसमें से पार्शियल प्रॉफिट आपको बुक करना है। सिंपल चीज, सिंपल वे, लॉस भी नहीं हुआ और हमें पार्शियल प्रॉफिट भी मिल गया, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या, हम एकदम प्रॉफिट में है और हमारा लॉस कुछ भी नहीं है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन। ओके चलो।